अभी करते हैं केस नंबर टू, सेकंड केस, सेकंड स्पेशल स्पेशल केस। तो सर्कल टचेस वाई, सर्कल टचेस वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ के यूनिट्स, एट अ डिस्टेंस ऑफ के यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। If it is such a distance of k units from origin, again ऐसे कितने circles possible होते हैं? चार circles, अपस same fund, लेकिन अभी touch किसको कर रहे हैं? तो obviously within this you know दो अलग अलग cases, within this पहला case में what will be given? Points passing through x1 comma y, ये पहला केस है ना। अच्छा, आप सर्किल कैसे कैसे दिखेगा सर, टचिंग वाई एक्सिस ऐसे दिखेगा वो, राइट? कितने यूनिट्स पे टच कर रहा हूं, हाउ मेनी यूनिट्स, माने ये के और ये भी के। अच्छा, अगर ये के है तो उसका मतलब ये कौन सा है, वाई इज इक्वल टू सिंपल वाई इज इक्वल टू के, लेकिन ये नीचे की तरफ के है उसका माने ये जो राइट है वो वाई इज इक्वल टू माइनस के, माने माने सर्कल्स का सेंटर्स का वाई कोऑर्डिनेट फिक्स हो चुका है। आगे यानी इट इज समथिंग कॉमा के पक्का, और ये भी समथिंग कॉमा माइनस के, और ये वाला आके माइनस के, और ये वाला माइनस के, सेम फंडा। अब देखो, अब देखो ये जो लेंथ है ये तो रेडियस है, और वाई को क्या है, x कोऑर्डिनेट पक्का, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमेशा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमेशा x कोऑर्डिनेट होता है, और वर्टिकल डिस्टेंस हमेशा y कोऑर्डिनेट। देखो वर्टिकल डिस्टेंस k है तो सर्कल का y कोऑर्डिनेट k, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r है तो x कोऑर्डिनेट है r, लेकिन ये कितना होगा माइनस r, और ये भी माइनस r, और ये भी सॉरी ये प्लस r है। आगे समझो, सो जो कहानी होगा वाई कोऑर्डिनेट पता है, वी नो वाई कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट को हमने लिख दिया इन टर्म्स ऑफ सेंटर, सॉरी इन टर्म्स ऑफ रेडियस, दैट मींस हाउ मेनी सेंटर्स आर पॉसिबल हियर, फोर सेंटर्स, हाउ मेनी सर्कल्स आर पॉसिबल, फोर सर्कल्स, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ईच वन ऑफ द सर्कल्स गिवन बाय एक्स प्लस और माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस और माइनस और हमें पॉइंट डाल दिया था, अगर हमने पॉइंट डाल दिया तो आ रहा है ना, विद इन दिस सेकंड केस, दूसरा केस आपको दिया होगा एक्सिस डेसिमल, यस आपको एफ मिल गया पक्का, जब वो ऊपर की तरफ है तो एक्चुअली एफ नेगेटिव होता है, क्यू माइनस जी माइनस एफ पक्का। अच्छा, अगर नीचे की तरफ है तो एफ एक्चुअली पॉजिटिव होता है, बट एनीवे उसके बारे में हमको ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है। माने रिमेंबर f पता है, दैट मींस f इज नोन, तो इमीडिएटली व्हाट कैन बी फाउंड, c, और c यहां आ गया, इससे आपको क्या मिल जाएगा, g, दिस कैन बी फाउंड, राइट? तो f इज नोन, यूजिंग दैट वी कैन फाइंड c, एंड वी पुट इट बैक इन दिस कंडीशन टू फाइंड g, but we have g f and c,
But remember, Hamesha, remember, F is plus or minus A. That means, CGB कितने values possible होंगे? दो values possible होंगे, Hamesha, find. Equation circle is again, x square plus y square plus or minus 2gx plus or minus 2fy plus e is equal to 0. Again, you see, four circles are possible. Again, you see, four circles are possible. अगर ऐसा क्वेश्चन बना तो यूवर ऐसा हो सकता है कि यू माइट बी गिवन सर्कल टचेस बाय एक्सिस एट अ पॉइंट 0.3 माने ऊपर वाला सर्कल पॉसिबल है कि नीचे वाला सर्कल पॉसिबल है ऊपर वाला सर्कल माने y कोऑर्डिनेट 3 होना चाहिए बट y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या होता है माइनस f माने f इज इक्वल टू माइनस 3 आगे पक्का यानी यहां प्लस माइनस की जरूरत नहीं है आगे तो ना आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि अच्छा at 0.3 है यानी ऊपर वाले सर्कल्स पॉसिबल है उसका मतलब y कोऑर्डिनेट पॉसिबल है माने माइनस f 3 है माने f इज माइनस 3 तो यू नो ये सारे डिडक्शन आपको करना होगा इमीडिएटली f माइनस 3 यहां डाल दिया c आ गया नहीं यहां डाल दिया आ गया g राइट डन पक्का ओके ये सर्कल टचेस y एक्सिस एट ओरिजिन माने देखो ये ऐसे मूव हो रहा है ना ये ऐसे मूव हो रहा है ये दोनों becomes coincident और ये दोनों becomes coincident है इधर एक circle possible होगा और इधर एक circle possible होगा पक्का with the this one even you could write जैसे कि पहले इसमें बना तीसरा case लिख सकते थे ना ये बड़ा written third case पर नहीं this is sufficient तो understood है right okay so intercept given go for general form point is given go for थोड़ा उसको किसमें right okay
लेट्स अंडरस्टैंड, ये ऑब्वियसली ये भी कितना है, ये भी आर, ऑल ऑफ दीज आर राइट। माने सेंटर क्या होगा, ये इंटरेस्टिंग है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है उसका सभी का सेंटर एग्जैक्टली, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, एंड दैट इज बोथ इक्वल टू रेडियस, दोनों भी रेडियस इक्वल होता है, इक्वल होते हैं। इंटरेस्टिंग, नाउ इन दिस केस व्हाट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, अब हम नोटिस किया चार सेंटर्स पॉसिबल है, प्लस और माइनस है, सो x प्लस और माइनस r का होल स्क्वायर प्लस y प्लस और माइनस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन r स्क्वायर। या कोई इंटरसेप्ट वाला कहानी नहीं है, आपको बस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो आपको या वो रेडियस दिया होगा या सेंटर दिया होगा कि पासिंग थ्रू वाला पॉइंट भी दिया गया है ना, one of the other things will be given to us, right? अगर मान लो centralizing first quadrant main center, then what would we do? R comma R, right? That is x minus r का whole square plus y minus r का whole square is equal to r, बस, okay? Easy है ना? This is probably easiest. ठीक है? तब तक this will be question number 3, isn't it? Yes. That's right. Hello. Find EOC. Find EOC which touches y-axis, which touches y-axis at a distance of 12 units from origin, at a distance of 12 units from origin, and cuts an intercept of 10 units on x axis, and cuts an intercept of 10 units on x axis, then find EOC. So EOC to पहले लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो दूसरे second case है ना? यहाँ ना आपको क्या दिया हुआ है? जैसे extra information, x intercept, माने आपको approach कैसे करना होगा? The second format. We have to start with general format. सही है? Right? अच्छा। तो कोई ये touches by axis at distance of 12 units. माने वो ऊपर वाला भी हो सकता है, वो बीच वाला भी हो सकता है, पर हमने डिस्कस कर लिया कि f जो रहेगा आपके लिए प्लस और माइनस q, तो राइट है ना, वो जो ये जो डिस्टेंस है ये 12 यूनिट्स होगा, राइट, दिस हैज टू बी 12 यूनिट्स, फिर वो ऊपर की तरफ है तो f एक्चुअली माइनस 12 होगा, जब नीचे की तरफ है f एक्चुअली पॉजिटिव होगा, अब यहां डायरेक्टली ले सकते हो f इज प्लस और माइनस, पक्का आ गया, एनी डिफिकल्टी है? Hello. Okay. Next. Okay. It touches y-axis, right? माने 2 into f square minus c, or rather f square is equal to c. Right. F square is equal to c. That is equal to c over c is equal to 4. Negative 1.
2 into root over g square minus c is equal to 13 minus minus 10. Okay, so g square minus c, c matlab 144 is equal to 5. So 25 cube 2 5 square root on both sides. So g square is equal to 106. So g is equal to minus 30. Okay, so ultimate target g f of c, what is equation of circle? X square plus y square, g has 2 values, so plus or minus 2gx, 26x plus or minus 2f24y plus c plus 142 is equal to 16. But you know, these are some very big numbers, there's a big number. Okay. So I still think there would be confusion over here. F का value कैसे पता चला? F तो क्या है लेकिन? F is minus f. Minus f is by quadrant of center. Since it touches the distance of 12 units from origin, circle जो है वो 12 units ऊपर रहेगा. और y या 12 units ऊपर या 12 units नीचे. पक्का? माने circle का y coordinate या 12 units ऊपर या 12 units नीचे. यानी minus f is either plus 12 और माइनस 2, यानी f x प्लस 1 माइनस 2, पक्का? अगर ये वाला आपको समझ में आ गया, बाकी रेस्ट इज इजी. तो x स्क्वायर से c मिल गया, बिकॉज़ x स्क्वायर इज इक्वल टू टचिंग y एक्सिस, और c है तो अपन g फाइंड कर सकते हैं, प्लस और माइनस करें, g आ गया, f आ गया, c के तीन पे सॉल्व कर दो इसमें. सो प्रॉब्लम हमेशा कंफ्यूजन हो सकता है ना, अपने वर्कशीट में बहुत सारे क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन है, तो कर लेना क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, find EOC, find EOC touching y axis at, touching y axis at zero comma two, touching y axis at 0,2 and passing through and passing through minus 1, 0. So the moment it is given, it touches y axis at 0,2. So the second either another circle or maybe here, but konsa circle? लेकिन देखो ये कहां से पास था, लेकिन मैंने ऐसे नॉर्मल सर्कल ले लिया जस्ट अंडरस्टैंडिंग से. अच्छा ठीक है, तो ये 0,2 है, उसका मतलब ये वाली लाइन y = 2 माने सर्कल का कौन सा कोऑर्डिनेट फिक्स होता है? अगर मैंने रेडियस r ले लिया तो ये कितना होगा? q सर्कल सेकंड क्वार्टर में जहां x नेगेटिव होता है. पक्का? माने अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल? x प्लस r का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का इज इक्वल टू r स्क्वायर. बेटा यहां इसको ना हल्का से एक्सपेंड कर ताकि r स्क्वायर को कैंसिल कर दो, तो ये x स्क्वायर प्लस 2rx प्लस y माइनस 2 का 0. सही है, r स्क्वायर को कैंसिल कर. अब क्या कर दूंगा, अब क्या करूं, सिर्फ ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा सर ना, x की जगह माइनस 1 फिर ये 1 माइनस 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 2 का प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 माने 2r इज इक्वल टू 5 माने r इज इक्वल टू 5 r इज सर्कल ऑल्सो पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फाइंड एक्स इंटरसेप्ट ऑफ दिस सर्कल हो जाएगा वो 2 इक्वेशन सर्कल आगे फाइंड कर सकते हो. सो वी विल बी गिवन फाइंड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट वगैरह है ना, एक्स टैंजेंट, बट अब देखो ना इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है,
according to given condition. So what is equation of circle? Here x plus r is x plus 5 by 2 ka whole square plus y by 2 ka whole square is equal to 25 by 4. Right? That's it. Any difficulty? Problem passing through the point here is easiest. वो इंटरसेप्ट बना दिया था थोड़ा सा राइट ओके फर्स्ट ट्राई क्वेश्चन अदर क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड ईओसी टचिंग एक्स वाई इज इक्वल टू 0 एंड द लाइन and the line x is equal to 4. अच्छा ये line होता है क्या what is this ये तो linear equation तो नहीं है x equal to 0 exactly आपने notice किया actually इसको कोई factors कर सकते हैं isn't it actually x y equal to 0 what does these lines represent ये pair of lines है इसमें एक x equal to 0 दूसरा अच्छा माने ये जो सर्कल है ये एक्चुअली दोनों की एक्सेस को टच कर रहा है अच्छा ये इज एक्चुअली कौन सा थर्ड केस बना सॉरी थर्ड केस फिफ्थ पर अच्छा ठीक है बट इट्स नॉट ओनली टचिंग यू नो बोथ एक्सेस अगर मान लो अगर बोथ एक्सेस होता तो हाउ मेनी सर्कल्स आर पॉसिबल अच्छा लेकिन इट इज आल्सो टचिंग अनदर लाइन x4 अच्छा x4 कहां लाइन करता वेट वेट टू एक्सेस इक्वल टू 4 इधर साइड में एंड पैरेलल टू y x तो ये x अच्छा अब मैं कैसे हल सकती कैसे कैसे बनेगा सर सो वो तीनों को भी टच कर लेंगे पक्का माने वो ऐसा कैसे होगा पक्का श्योर एक ही सर्किल पॉसिबल है दो है एग्जैक्टली एक ऊपर और दूसरा बीच में x एक्सिस y एक्सिस एंड द लाइन यस टू सर्किल्स आर स्टिल पॉसिबल एक्चुअली अगर ये लाइन नहीं दिया होता तो हाउ मेनी सर्कल्स वुड हैव बीन पॉसिबल फोर बट ये लाइन की वजह से कितने सर्कल्स दो सर्कल्स में रिस्ट्रिक्ट होता है अच्छा अभी तो और कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं दिया ना एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस में तो वैसे भी जीरो है एक्चुअली आपने बोला पॉइंट दिया होना चाहिए तो लेकिन ना एक लाइन दिया हुआ है तो इससे क्या कर सकते हैं व्हाट कैन बी डन अच्छा ठीक है ठीक है ये आपको पता है आर है ये भी आपको पता है ये भी कितना होता है आर है तो इसका सेक्टर और ये वाला r कॉमा माइनस पक्का ये होगा यस r कॉमा दो सर्कल्स पॉसिबल है लेकिन ये r कैसे फाइंड है हाउ डू फाइंड r थिंक 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 ये दो कौन है सर्कल्स के टैंजेंट दो पैरेलल टैंजेंट्स उनके बीच का गैप कितना होता है डायमीटर और कितना है इस केस में आ गया अब नोटिस कीजिए कितना डिस्टेंस है सो 4 और 4 इसका मतलब रेडियस कितना होगा 2 पक्का आ गया 100% श्योर माने दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन सर्कल्स टचिंग एट व्हिच पॉइंट है ना क्योंकि ये 4 कॉमा 0 है पक्का आ गया इसका मतलब इन इन दिस केसेस आर इज नथिंग बट 2 आ गया समझ में आ गया पक्का क्योंकि ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स है एक्चुअली माने मतलब दोनों का बीच का गैप डायमीटर है पक्का अगर r मिल गया तो इजी व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल x यस इक्वेशन ऑफ सर्कल x plus r2 का होल स्क्वायर प्लस y plus r2 का होल स्क्वायर पक्का इज इक्वल टू 100% श्योर यस ये प्लस और माइनस की क्योंकि एक ऊपर वाला सर्कल और इससे वाला सर्कल है ना r कॉमा r r कॉमा माइनस सब वो x माइनस का होल स्क्वायर x अच्छा x माइनस का होल स्क्वायर ना x माइनस आपका होता है और कोई तरीका से अपन कर सकते थे क्या इसे नहीं कर सकते हैं डायमेट्रिक फॉर्म से कर सकते थे क्या ये पॉइंट है आपके पास ये कितना 0.2 ये वाली पॉइंट 4.2 कर सकते हैं डायमेट्रिक फॉर्म से x1 y1 x2 y2 पक्का इफ यू वांटेड टू गो फॉर डायमेट्रिक फॉर्म आल्सो यू कुड हैव गॉन फॉर या सेंटर गेस इज बेस्ट इफ यू आस्क ये बेस्ट है अच्छा अच्छा राइट सो लेट्स ट्राई वन इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड ईओसी
touching both the axes. Find EOC which touches both axes and whose radius is 2 units and whose radius is 2 units. It is touching both axes at the same time, radius is 2 units. चार सर्कल इसमें पॉसिबल रहेंगे और उनका केस है ऐसे रहेगा ऐसे रहेंगे पक्का ये केस है 100% श्योर आ गया अबे सो फोर केसेस आर पॉसिबल 100% श्योर क्योंकि जस्ट से टचिंग एक्सिस बट ये कौन सा क्वाड्रेंट में सर्कल ये नहीं मेंशन करता एंड मोर ओवर इन सारे सर्कल्स का रेडियस दिया व्हिच इज 2 यूनिट्स सो डायरेक्टली व्हाट विल आई डू x + 1 - 2 का होल स्क्वायर + 5 + 1 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू And radius 2 units. So ये वाला सर, 2.2 यानि x minus 2 का whole square plus is equal to 2. Right? Are you sure? Okay. So I think this is sufficient as far as intercept is concerned, है ना? तो अब ये वो ये special case हो गया. I mean now we are done with special cases. कि now this is I mean अभी आगे जाके बस ये ही form बन करेंगे. So आपने notice किया कि the two most important forms of circles है ना one center radius form to general form and some rare cases may be apply diametric form और अभी आगे जाके जब tangent का कहानी जब शुरू होगा अपन करेंगे parametric form का है ना okay so अभी हमने आज sir wind up कर लिया you know intercepts made by circle on coordinate axis यानी special lines अभी कल अपन पढ़ेंगे intercepts made by circle on any line है ना on any line and then we will discuss what is condition for tangency माने वो लाइन सर्कल को टच कब करे उसके लिए क्या क्या कंडीशन है वो शायद हमने पहले क्लास में कर लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑन टू द लाइन शुड बी इक्वल टू रेडियस रिमेंबर वो अपन करेंगे ठीक है ना